छात्र आचार्यगण दूर दूर से श्रद्धालुगण हम पे आप पे कामता नाथ की बड़ी कृपा हुई। 10 साल बाद 2007 में चतुर्मास हुआ था, यहाँ चतुर्मास का निश्चित किया। गुरु पुण्य का त्योहार चल रहा है, हम गुरु पूजन से गुरु का स्वागत में आत्मभोर साधना तप जप आराधना स्वभाव प्रवर्तन मन की करुणा को जगाए और कर्म की ओर कर्तव्य की ओर साधना की ओर बढ़े। चित्तकूट वो भूम है जो बड़े बड़े महापुरुषों ने आके यहाँ तप किया है। कुछ समय पहले आपको बताया था देवरा बाबा ने कि हम भी चित्तकूट में रहे थे, जहाँ हम जमात में चलते थे संतों की, चित्रकूट के घाट पर भई संतों में भीड़, तुलसीदास चंदन सिंह तिलक करे वो भूम है जिसको स्मरण करने से व्यक्ति के ताप दोष पीड़ा दूर चले जाते, शांति प्राप्त होती। लेकिन चित्तकूट में आता कौन है जिस पर भुगता पड़ती है, किसी पर भाव हनुमान जी की कृपा से या हनुमान जी निवास करते हैं। बाबा तुलसी को यही हनुमान जी ने दर्शन दिए थे रामघाट में। चित्तकूट को वही समझ सकता है जो व्यक्ति चाव रखता है, जो उसमें रुचि रखता है। चित्तकूट पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कई लोग इससे रतन खोज लेते हैं, कई लोग इसमें बुराइयां खोजते रहते हैं, कई लोग इसमें हमेशा स्वभाव में कोई निर्भरता नहीं आती। जब हम सुबह घूमते हैं तो हमको लगता है कि रोज घूमते हैं, कई पत्थर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कई पत्थर ऐसे हैं जो अपने आप को बदलाव में परिवर्तन कर गए। इसलिए गुरु पूजन में आप लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ का जो समय है, यहाँ का समय बताया गया है हमको, आपको अनुशासन रहना है, यहाँ की व्यवस्था में सहयोग करना है, गुरु का शरण लेना है। गुरु व्यक्ति नहीं है, तथ्य है, उस तथ्य को जानना है। गुरु पूर्व की गुरु परब आदिकाल से चला आ रहा है। गुरु की महिमा बड़ी व्यापक है जी, हम 10-5 मिनट में या आध घंटे में नहीं बता सकते, इसकी बहुत व्यापक है। इसको जानने की समझने की खोज होना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है, ऐसी लैब है, इसको प्रूफ नहीं कर सकते, कुछ समय चाहिए। जो छात्र हमेशा लगे रहते हैं काम में, वे इस आध्यात्मिक लैब को सफल बना लेते हैं, जीवन धन कर लेते हैं, व्यक्ति मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लोकेश शक्ति समृद्धि दीर्घ रूप प्राप्त करता है। संसार में रहते हुए संसार में उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जब व्यक्ति दोष देखने लगे तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर व्यक्ति के अंदर बुराइयों का आना जाना हो जाए। कि हम इसलिए कि आप सत्संग करते हैं, ऐसे भक्त कहलाए जिसके अंदर प्रवृत्त न हो। व्रत करने से साइंस ने भी कहा कि व्रत एक स्वास्थ्य के लिए दीर्घायु के लिए ठीक है। व्रत करने से आत्मबोध आत्मशक्ति सहने की शक्ति क्षमता बुद्धि विवेकार करने लगता है। लेकिन कई लोग रोगी हो जाते हैं, उनके लिए प्रत्येक भाव जरूरी है।
वे लोग भाव से व्रत करें। चतुर्मास की गंगा में ये कामतानाथ की कृपा से ये 2007 के बाद फिर गंगा प्रकट हो रही है सत्संग की, इसमें स्नान करें, वाणी में स्वभाव में परिवर्तन करें, मन से स्वभाव से एक हो जाए। ये भौतिक बात का जो आज्ञानता का कांटा है इसको थोड़े देर के लिए बहुत चुभता है, बहुत चुभता रहता है इस कांटा। इस कांटा के लिए आध्यात्म मलम चाहिए, आध्यात्म इसको एक भभूत चाहिए, गोली चाहिए, जिससे वो शांत हो सके। ये कांटा दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता रहता है, हर मंत्र के पीछे लगाया भूत प्राचीन निकट नहीं आ गया। तो वह जो काम है, ये संसार की जो तृष्णा है, जो प्रवृत्ति है, मैं जब छोटा था मैं सोचता था भूत क्या है। जैसे सब दादा हनुमान जय है जो सब बार पाठ कर रहे हैं, मैं सोचता 7 बजे हमेशा 24 घंटा का बार है, 24 घंटा हनुमान चालीसा 24 घंटा करे उसको शांति प्राप्त होती है। 7 बजे तो अच्छा है, तो 1 बजे कर ले तो कल्याण हो जाता है। भूत तुम्हारे कर्मों का प्रभाव है। हमेशा आध्यात्म प्रार्थना से हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है, जो आसक्ति है उस पर प्रभाव पड़ता है, उसको कम होती है। त्याग और एक शक्ति पैदा होती है, ये हमारी आसक्ति जो होती है जो व्यक्ति को भ्रमित कर देती है। ये अग्नि है, इसमें कई लोग हवन से सुगंध पा लेते हैं, कई लोग पॉलिथिन साइकिलों के टार में भी से प्रकाश पा लेते हैं। जब मैं बहुत छोटा था, हार में रहता था, तो महुआ पीने जाता था।